देख रहे हो पर्दा, ये है एक बेड शीट है मेरी, जिसको मैं पीछे इस तरह से बैकग्राउंड के लिए लगा लेती हूँ। मैं इसके बिना भी, मैंने बिना पर्दे के भी एक दो। हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्नेहा और आज मैं लाई हूँ एक और वीडियो। आज की वीडियो में बताऊँगी कि मैं अपनी वीडियो किस तरह से बनाती हूँ। मुझसे ये सवाल बहुत जने पूछते हैं कि आप वीडियो कैसे बनाती हो। मेरे इंस्टा पे भी बहुत सारे मैसेज आते हैं और जो मेरे जानने वाले वो भी कई ऐसे मुझे मैसेज करते हैं इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कि आप अपने वीडियो किस तरह से बनाते हो, प्लीज़ हमें भी बताओ। तो मैं सबको बताती भी हूँ, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो ही बना के डालूँ ताकि सब सबको पता चल जाए कि मैं अपने वीडियो किस तरह से बनाती हूँ। तो मैंने ये वीडियो बनाने के लिए क्या क्या करती हूँ, मैं जो गाड़ वो बताती हूँ। मैं अपना ये ज़्यादातर वीडियो अपने इसी रूम में शूट कर लेती हूँ जो मेरा बेडरूम है, और अगर कोई लुक बुक दिखानी होती है तो वो वीडियो मैं बाहर हॉल में शूट करती हूँ। तो मैं ये दिखाती हूँ इस रूम में मैं किस तरह से वीडियो अपना बनाती हूँ। अभी ये सेटअप देख रहे हो, ये आपको देखने की आदत है, ये डेली मैं यही सेटअप लगा के अपना वीडियो बनाती हूँ। ये पीछे देख रहे हो ये है ना पर्दा, ये एक बेड शीट है जो मैं यहाँ अपनी वार्डरोब के यहाँ लगा लेती हूँ इस तरह से। तो इसको लगाने के लिए मैं इसी के अंदर गेट खोलती हूँ और इसके अंदर बेड शीट को डालती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, तो इस तरह से डाल के उसका गेट बंद कर देती हूँ। मैंने इसके बिना भी एक दो वीडियो शूट किए, और जब से मैं ये बेडशीट लगा के करने लगी हूँ तो मुझे ये बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। तब से मैं डेली इसी तरह से अपनी बेडशीट लगा लेती हूँ। और ये है चेयर जहाँ मैं बैठ के अपना वीडियो शूट कर लेती हूँ। ये चेयर घूमने वाली है थोड़ी इस तरह से, लेकिन मैं इसी पे अपना वीडियो बनाती हूँ। और इस वीडियो बनाने के लिए मैं काम में लेती हूँ एक ये माइक जो बोया का M1 है। तो ये माइक पहले मैंने जब स्टार्टिंग में वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, जब मैं बिना माइक के ही वीडियो बनाती थी, और मैंने 8-10 वीडियो बना लिए, उसके बाद मुझे लगा कि एक माइक ले लेना चाहिए। तो उसके बाद मैंने ये माइक अमेजोन से मंगवाया था जो 1300-1350 के आसपास आया था। उसके बाद में मैंने लिया था एक ये ट्राईपोड। इससे पहले मैं ट्राईपोड नहीं लेती थी काम में, इससे पहले मैं एक चेयर या काम में लगाती और कुछ बुक्स रखती, उसके आगे अपना फ़ोन रखती इस तरह से, और इस तरह से मैं अपना वीडियो यहीं बैठ के बना लेती थी। मैं यहीं बैठती यहीं हूँ अपना वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ बैठने के लिए मेरे पास रिंग लाइट नहीं है। ये सामने जो लाइट ट्यूब लाइट आ रही है, इसी की रोशनी मेरे ऊपर अच्छे से आ जाती है और वीडियो अच्छे से बन जाती है। वीडियो बनाने के लिए अपने दो फ़ोन काम में लेती हूँ, जैसे कि एक फ़ोन तो आप ये देख रहे हो इसमें ट्राईपॉड में लगा हुआ है, और एक फ़ोन से जो अभी ये वीडियो शूट हो रहा है। इस तरह से मैं दो फ़ोन से अपनी वीडियोज़ बनाती हूँ। तो जैसे कि मुझे कोई खड़ा रह के वीडियो बनाना होता है या ये लुक बुक करनी होती है, जैसे मुझे कपड़े दिखाने होते हैं, साड़ियाँ दिखानी होती है, साड़ियों के लुक दिखाने होते हैं, उसके लिए मैं ट्राईपोड को इतना बड़ा कर लेती हूँ। ये मेरा ट्राईपोड है, तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी, इस तरह से निकाल के इनको इतना बड़ा हो जाता है। ये ट्राईपोड बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग अगर अपन कर रहे हैं तो अपन को बहुत ज़्यादा महंगे ट्राईपोड में इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने ये सस्ता ही ट्राईपोड लिया था जो 800 या 900 के समथिंग आया था, ये अमेजोन से मैंने मंगवाया था। तो ये फ़ोन के लिए ये बेस्ट है ट्राईपोड। तो इस तरह का एक ट्राईपोड तो अपन को ले लेना चाहिए जो अगर अपना बजट हो तो। स्टार्टिंग अपन को अगर वीडियो के करनी है तो उसके लिए अपन फ़ोन को कहीं भी एडजस्ट करके बाद में कर सकते हैं। जो स्टार्टिंग में मैंने ऐसा ही किया था, कुछ वीडियो मैंने ऐसे ही बनाई थी, कुछ मैंने अपने बच्चों से शूट करवाई थी, जो लुक बुक करनी थी स्टार्टिंग में तो मैंने अपने बच्चों से करवा लेती थी वीडियो। लेकिन फिर मुझे लगना लगा कि मैं अभी कंटिन्यू थोड़े और वीडियो डाल सकती हूँ अपने इस चैनल पर, तो फिर मैंने ये इस पर इन्वेस्ट किया ट्राईपोड पर। तो अब मैं अपने इसमें फ़ोन लगाती हूँ और कर लेती हूँ। अगर अपन को शूट करना हो तो मैं इस तरह से रख के करती हूँ, क्योंकि YouTube के वीडियो बनाने के लिए फ़ोन को इसी तरह से रखना पड़ता है। और अगर कोई साड़ी का लुक बुक बुक करती हूँ मैं लुक, तो उसके लिए मैं कई बार पूरा नहीं आता तो मैं इसी तरह से इसको कर लेती हूँ। तो ये इस तरह से भी हो जाता है, इस तरह से ये घूम जाता है, इसको इस तरह से या कहीं से इसे इसे करना होता है, देख ये इससे भी एडजस्ट हो जाता है ऊपर या नीचे जो करना होता है। यहाँ ना मोबाइल की जगह कैमरा भी फिट हो सकता है, लेकिन कैमरे में क्या वजन होता है, ये ट्राईपोड है जो इतना वजन सहन नहीं कर पाएगा। ये इतना हल्का ही है, ये सबसे कम रेंज का देख के ही मैंने ट्राईपोड लिया था। तो इसमें ये इतना ये इसका वजन सहन नहीं कर पाएगा कैमरे का, ये फ़ोन का आसानी से कर लेता है। और ये कैमरा मेरे लिए तो अच्छा अभी बेस्ट है, जब तक मेरे वीडियो आगे नहीं चल जाते और जब तक मैं यहाँ और ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट इसमें करना नहीं चाहती, जब तक के लिए मैं इसी से काम चलाऊँगी अपना। आप देख रहे हो लाइटिंग, मैं इसी से लाइट ऑन करके वीडियो बना लेती हूँ, और इस ट्यूब लाइट की इसकी इतनी अच्छी रोशनी हो जाती है कि वीडियो अच्छे से बन जाते हैं। लेकिन अभी 2-4 वीडियो में मैंने ये जो सामने अलमारी के ऊपर जो आप देख रहे हो ये लाइट लग रही है, ये सीलिंग लाइट है जो मेरे पास रखी हुई थी,
तो अभी मैंने इसको लगा के देखा कि थोड़ा सा और फ़र्क पड़ता है, कि इसलिए मैंने इसको यूज में लिया लाइट को, तो ये लाइट मैं ले लेती हूँ। मैंने रिंग लाइट परचेज नहीं करी, इस टाइप की सीलिंग लाइट मेरे पास दो लाइट है, एक ये है लाइट, इसको मैं अगर कहीं लगता है तो मैं इसी को लाइट को भी काम में ले लेती हूँ। कहीं भी जैसे यहाँ इसको पीछे लगा के कहीं भी रख लेते हैं इसको, जैसे ये टेबल है इसको यहाँ भी अपन रख सकते हैं लाइट को इस तरह से। तो ये सीलिंग लाइट है, ये ज़्यादा महंगी नहीं आती, तो इस तरह की अपन लाइट ले सकते हैं, इसको कहीं भी लगा सकते हैं। रिंग लाइट जैसे लेंगे तो शायद 2500-3000 से कम की रिंग लाइट नहीं आएगी। स्टार्टिंग में अपन को इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं वीडियो में। तो मैंने तो स्टार्टिंग में ये सीलिंग लाइट मेरे पास रखी हुई थी, लेकिन मैं इसको भी यूज में नहीं लेती थी। मैं सिर्फ इन ट्यूबलाइट और इस बल्ब से दो से मेरा काम हो जाता था, इनसे मेरा वीडियो बन जाता था। और ये पड़ी है तो मैंने सोचा इससे ट्राई करती हूँ, तो आज मैंने ये निकाली थी। तो एक तो मैंने नहीं लगाई, वो एक ही लाइट लगा के इससे ही अपना काम हो गया। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये वीडियो इसी रूम में क्यों शूट करती हूँ, क्योंकि मेरे पास और भी रूम है एक, और हॉल भी है, मैं बाहर भी शूट कर सकती हूँ और छत पे भी कर सकती हूँ। लेकिन इस कमरे में मैं इसलिए शूट करती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है, और गर्मी में है ना ये मेकअप वाले ये कपड़े पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और पंखा अगर अपन ऑन करते हैं, कूलर ऑन करते हैं, तो इसकी वीडियो में बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, तो ये तो बंद करना पड़ता है अपन को। और मैं इस कमरे में इसलिए शूट करती हूँ कि इसी कमरे में मेरे AC लगा हुआ है, जैसे आप देख रहे हो वो AC, इस कमरे में मैंने ये AC लगा रखा है। तो यहाँ AC ऑन कर लेती हूँ और मैं पंखा बंद कर देती हूँ, इसी की वजह से मैं इसी कमरे में ये शूट करती हूँ ज़्यादातर वीडियो। अब जैसे अगर सर्दी का टाइम आएगा तो मैं ये वीडियो कहीं भी शूट कर सकती हूँ, बाहर या हॉल में जहाँ भी है। और मुझे लुक वुक वाले वीडियो करने होते हैं तो मैं यहाँ तैयार हो जाती हूँ AC में, फिर बाहर जाके थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, फिर वापस यहीं आ जाती हूँ मैं चेंज करने के लिए। और ये वीडियो बनाने के लिए देखो क्या क्या फैलावड़ा हो जाता है, ये देख ही रहे हो। वो साड़ी अभी मैंने पहन रखी थी थोड़ी देर पहले, फिर मुझे कंफर्टेबल नहीं थी मैं उसमें, तो मैंने ये चेंज करके ये सूट पहन लिया। और ये आज मैंने इस चूड़ियों का वीडियो बनाया जो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा इस मेरे चैनल पे, या तो ये पहले आ जाएगा ये वीडियो बाद में आएगा, जैसे भी है, लेकिन ये दोनों वीडियो आपको देखने को मिलेगा। मैंने चूड़ियों का वीडियो बनाने के लिए ये सब फैलावड़ा किया है। यहाँ देखो, एक वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे फैलावड़ा हो जाता है अपने घर पर, इस तरह से बहुत फैल जाता है। तो इसमें भी अपन को 3-4 घंटे लग जाते हैं वीडियो में तैयार होने के लिए। और आपको अपना पूरा सेटअप दिखा दिया, और अब मैं दिखाती हूँ मैं तैयार होने के लिए यहाँ आती हूँ, जहाँ मेकअप का सामान रखा हुआ है, या मेरी कुछ ज्वेलरी जो पहननी होती है वो रख लेती हूँ। और ये ड्रायर है, ये कलर, ये कॉम्ब है, ये सब मैं यहाँ, इतना सारा फैलावड़ा हो जाता है, ये सब निकालती हूँ। अभी इन सबको वापस समेट के रखना भी पड़ेगा मुझे। तो ये है मेरी ड्रेसिंग टेबल जहाँ मैं तैयार हो जाती हूँ, इसी कमरे में सारा काम हो जाता है मेरा। मैं अपनी वीडियो बनाने के लिए मोबाइल से ही मैं अपनी वीडियो शूट करती हूँ। तो इस वीडियो शूट करने के लिए मैं लेती हूँ एक तो सैमसंग J7 Max, इससे बहुत अच्छी वीडियो शूट हो जाती है मेरी। इसकी जो फ्रंट की जो वीडियो होती है ना, फ्रंट से जो मैं रख के लेती हूँ वो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। और एक दूसरा मोबाइल है मेरे पास, ये दूसरा फ़ोन है मेरे पास Vivo Y12, तो मैं इन दोनों से अपनी वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो ये था मेरा सेटअप टूर, ये आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे बताने के लिए, तभी मैंने ये वीडियो बनाई है। किस आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कर दिया करो, और इसको अपने दोस्त और फ्रेंड फैमिली वालों के साथ में इसको शेयर भी कर लिया करो, ताकि मुझे भी थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाए और मैं इस तरह की आगे और वीडियो आपके लिए ला सकूं। और अब तक मुझे आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए। और तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।